तो फ्रेंड्स, हमारा पहला ब्लॉग तो मिस हो गया था, गणपति को हम देख नहीं पाए थे। तो अभी आज हम जा रहे हैं राजा देखने। जैसे कि देखा था वो पुराना ब्लॉग, उसमें तो हम जा नहीं पाए थे, भीड़ इतनी थी। और अब हम जा रहे हैं दोबारा से, होप की दर्शन हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है। रात में भी इतनी भीड़ है स्टेशन पे। गाइस, ये रात की ट्रेन है, रात में भी देख सकते हो कितनी भीड़ है। सही बात, कम नहीं है भीड़ बिल्कुल। यहाँ पे मुंबई में बहुत भीड़ है। चलो, बहुत भीड़ है बहुत। तो हम दादर स्टेशन पहुँच चुके हैं, अब जा रहे हैं लालबाग की तरफ। पहले तो टैक्सी ढूंढते हैं। तो भैया, घर से तो खाना खा के हम आए नहीं थे, तो अभी हमने करा ऑर्डर और ये है। खाते हैं या फिर मिलते हैं। तो गाइस, अभी खाना वाना खा के तो हम निकल चुके हैं, अभी हम टैक्सी में बैठे हैं। तो अभी दिखाते हैं आपको लालबाग पहुँच। तो हम एंटर तो कर चुके हैं, अब दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। तो ये है पहला नज़ारा मुंबई का राजा। पर हमें जाना है आगे लालबाग का राजा देखने। तो समझ में नहीं आ रहा। हो रहा हो रहा हो रहा, वो है लालबाग का राजा। भीड़ देखो गाइस, तो दिखाता हूँ जरा मैं। राजा के आप हमारे आवाज सुन रहे हो, आपकी मावली इंतजार कर रही है। मैं आपने का सुगम आपला भाऊ अमित राहुल पनवेलवरून आपण आला होता दर्शनासाठी। लाइन में तो पहुंच चुके, पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है, बहुत लंबी लाइन। गाइस, थक के चूर हो चुके हैं, पर हार नहीं मान रहे हैं। अब पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा सा रहिए। हालत देखो खतरनाक, नींद और तबीयत भी थोड़ी सी खराब है। इस मंजिल बहुत करीब है, वो देखो। बहुत मुश्किल से बाहर आए, चोट भी लग गई भयंकर की। बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा पेशेंट पेशेंट आए ना, बहुत प्रॉब्लम। बाहर निकलने के लिए भी हमें 5 मिनट हो चुके हैं, चलने के लिए हम बाहर नहीं निकल पा रहे। हाँ, वो दिखा रहे हैं ना।